हेलो गाइस, रोटेशनल डायनामिक्स के लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पे कुछ लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चन बच गए थे। उन क्वेश्चंस को अब हम करेंगे। इसमें है एग्जांपल 1.1 है। एग्जांपल 1.1 में कहा गया है पे फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। आपको एग्जामिनेशन में कुछ इसी के आसपास के क्वेश्चन दिखेंगे, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ना इजी, इसी के आसपास। इट इज देन स्विच्ड ऑफ। गाइस क्या किया, स्विच्ड ऑफ किया। फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। मैंने आपसे कहा था आरपीएम, आरपीएम, आरपीएम में फ्रीक्वेंसी गिनी जाती है। सरनेम क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे ऊपर गिवन डेटा। क्या डेटा दिया है बेटा, गिवन डेटा दिया है यहाँ पे, ये दिए है आपको फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल है एन, 90 आरपीएम। पर हमारे फिजिक्स में आरपीएम नहीं चलेगा, आरपीएस चलेगा। आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आएगा 1.5 आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। बाद में क्या हो गया, फैन बेचारा स्विच ऑफ हो गया, मतलब ये पहले की फ्रीक्वेंसी, और बाद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बाद की फ्रीक्वेंसी है 0 आरपीएस। ठीक है, ये पहले की फ्रीक्वेंसी और ये बाद की फ्रीक्वेंसी। मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी से आपको क्या मिलता है। सर फ्रीक्वेंसी से मिलती है हमें ओमेगा, तो मैं इस फ्रीक्वेंसी से निकाला ओमेगा 1। बेटा ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn1। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn1। 2π जस n1 की वैल्यू है 1.5। बेटा 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, ये आया 30, पाई आया पॉइंट एक संख्या पहले, मतलब ये हुआ 3π। तो ये आ गया बेटा आपका 3π। देन उसके बाद में आपके सरनेम क्या आता है बेटा, इसका रेडियन पर सेकेंड। इससे मैं निकालूंगा ओमेगा 2। ओमेगा 2 का फॉर्मूला होता है 2πn2। बेटा n2 कितना है, 0, 0 into something, 0 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया। उसके बाद में क्या बोला है, इट स्टॉप आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, मतलब फैन कितने चक्कर काट रहा, एन इक्वल टू 21 रिवॉल्यूशन। बेटा रिवॉल्यूशन को सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल एन रहेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो आपको बोला है आपने कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप, अजमिंग दैट फ्रिक्शन टॉर्क आर कॉन्स्टेंट। आपको बोला है कितना टाइम लगेगा उसको पूरा कंप्लीटली स्टॉप होने के लिए, कितना टाइम लगेगा। बेटा आपको पता होगा, मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में आपको काइनेमिक्स के इक्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। काइनेमिक्स के इक्वेशन आपको याद चाहिए। काइनेमिक्स के कितने इक्वेशन थे, 3 इक्वेशन थे। ये 3 इक्वेशन क्या थे बेटा, पहला इक्वेशन था गाइस पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। आपने अगर लेक्चर नंबर 1 देखे होंगे तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताया। ठीक है, देन गाइस उसके बाद में आता है ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी भी है, और एक इक्वेशन है ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अपने ऐसे 3 इक्वेशन है। आप मुझे बताइए मुझे क्या दिया है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दिया है। मुझे निकालना क्या है, टाइम निकालना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है 21। मुझे तो एक चक्कर जब काटता है बेटा, जब एक चक्कर काटता है तो एंगल कितना होता है, 2π। तो यहां पे कितने चक्कर काट रहा है, 21 चक्कर काट रहा, तो क्या मैं इससे थीटा निकाल लूं। तो थीटा क्या होगा बेटा, 21 × 2π। सही बात है, तो मेरे पास थीटा मिल गया। थीटा का सरनेम क्या होता है, रेडियन। ठीक है, तो थीटा मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, तो सबसे पहले ये जो दिया है ओमेगा 1 ओमेगा 2, इससे आप निकाल लीजिए अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या होता है बेटा, ओमेगा का चेंज होना। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ओमेगा 2 कितना है बेटा, 0। ओमेगा 1 कितना है बेटा, 3π, और ये टाइम टी। तो देयरफॉर अल्फा कितना आया, माइनस 3π अपॉन टी, ये आया अल्फा। ठीक है, आपे अभी हमें निकालना है गाइस यहां पे कैलकुलेट टाइम टेकन बाय टू स्टॉप दैट द फ्रिक्शन टॉर्क। ओके, हमें टाइम निकालना है। क्या करूंगा, मेरे पास अल्फा है, थीटा भी है, और टाइम निकालना है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा बेटा, ये वाला फाइनल वाला, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें गाइस पे टाइम की जरूरत है यहां पे, तो इसमें गाइस पे अल्फा का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओके, ओमेगा 2 कितना है बेटा, 0, इसको नहीं लिखेंगे। ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 है आपका 3π, 0 ये है 3π, उसका क्या करना है बेटा, स्क्वायर, 2 जैसे का वैसा। अल्फा की वैल्यू, अल्फा 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 कितना है बेटा, अल्फा है माइनस 3π बाय टी, ये अल्फा है। और थीटा कितना है, तो थीटा है बेटा पे 20, 22 21 42 पाई, ये लिख दिया मैंने।
अब इसको बताइए माइनस में है, पूरी संख्या माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये थ्री टू जा सिक्स पाए, ये माइनस है ना, प्लस इन माइनस माइनस की पूरी संख्या इधर आ जाएंगी, थ्री टू जा सिक्स पाए अपॉन टी, और ये बेटा 42 पाई भी आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 पाई का स्क्वायर। बेटा पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये पाई स्क्वायर तो ये पाई पाई कैंसिल। ओके, अगर मैं 3 का टेबल हूं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 4। तो ये टाइम जाएगा इधर, ये डिवीजन में, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 14 2 जा 28, therefore टाइम कितना बेटा है 28 सेकेंड। इस पूरे फैन को स्टॉप होने के लिए कितना लगा, 28 सेकेंड लगा। इस 28 सेकेंड में उसने 21 रिवॉल्यूशन किए। लेने का क्वेश्चन कैसे करना है करके, ओके गाइस यहां पे सेकंड क्वेश्चन आ रहे हैं। बुक का सेकंड क्वेश्चन क्या है, बुक का सेकंड क्वेश्चन है यहां पे, somehow an ant stuck to the rim of bicycle। किसी तरीके से गाइस यहां पे ant क्या हुई, यहां पे बाइसिकल के रिम के ऊपर स्टक हो गई, चिपक गई। बाइसिकल जिसका डायमीटर, एक साइकिल है यहाँ पे जिसकी व्हील का डायमीटर है बेटा, यहाँ पे डायमीटर दिया है अपने को 1 मीटर। इस डायमीटर से मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो सबसे पहले मैंने जो चीज निकाला वो है डायमीटर से रेडियस निकाला। व्हाइल द बाइसिकल इज ऑन सेंटर स्टैंड, ठीक है यहाँ पे सेंटर स्टैंड पे है, बाजरो साइकिल है सेंटर स्टैंड पे, द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन, ठीक है। तो सेंटर स्टैंड पे मुझे तो स्टार्टिंग में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो स्टार्टिंग में तो गाइस व्हील रुका हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी होंगी यहाँ पे N10, 0 RPS। बाद में बोला यहाँ पे the wheel is set into rotation and it attained the frequency, कितनी frequency? ये frequency attain कर रहा है guys, 2 revolution per second, मतलब वही RPS, revolution per second RPS। अब आप मुझे बताइए, आपके पास N1 है, आपके पास N2 है, क्या इस N1 से आप ओमेगा 1 निकाल सकते हैं, क्या इस N2 से आप ओमेगा 2 निकाल सकते हैं? बेटा ओमेगा का फॉर्मूला होगा 2πN1, इसका फॉर्मूला होगा 2πN2, 2π जैसे का वैसा, N1 की वैल्यू कितनी बेटा है पे 0, 0 into something 0, ये 2π जैसे का वैसा, N2 की वैल्यू कितनी बेटा 2, 2 to the 4, 4π। तो ये 0 RPS और ये 4π, ये रहा रेडियन पर सेकंड, सॉरी ओमेगा का सरनेम क्या बेटा, रेडियन पर सेकंड, इसका सरनेम है रेडियन पर सेकंड। इससे क्या मिलेगा मुझे, हमें इससे मिलेगा पहले अल्फा, सबसे पहले ओमेगा 1 ओमेगा 2 से आप अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा क्या होता है बेटा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। अब आपके पास ओमेगा 2 कितना है पे 4π है, ओमेगा 1 कितना है 0 अपॉन टी। टाइम कितना दिया, ये सब कुछ हो रहा कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो हमें इसके लिए टाइम दिया है बेटा, टाइम दिया है 10 सेकंड, तो यहां पे टाइम लिखा 10 सेकंड। देखो अल्फा कितना आया, अल्फा आया 4π/10, ठीक है, ये क्या आया अल्फा है। अब यहां तक किसी को तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि हमें क्या बोला है यहाँ पे, एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दी हमने, अल्फा निकाल दी। पहली चीज क्या बोला है, कैलकुलेट, पहली चीज क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है बेटा कैपिटल एन। और क्या पढ़ाया बेटा मैंने, कैपिटल एन का फॉर्मुला क्या पढ़ाया यहाँ पे, थीटा अपॉन 2π। सर मतलब एन का फॉर्मुला थीटा अपॉन 2π है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मुला थीटा अपॉन 2π है, तो मुझे पहले थीटा निकालना पड़ेगा। और थीटा निकालने के लिए आपने सर बताए थे काइनेमिक्स के 3 इक्वेशन। अब बताइए काइनेमिक्स के 3 इक्वेशन क्या था यहाँ पे, पहला था ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, दूसरा था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू, एस नहीं सॉरी, ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब देखिए मैं यहां पे थीटा निकालना है, तो ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं या ये वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं ज्यादातर इस फॉर्मूले का चुनाव करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अल्फा है, ओमेगा है, ओमेगा 2 है, थीटा निकालना है। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया गाइस, यहां पे मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मैंने लगाया ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा लगाया। बताइए बेटा यहां पे ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा 2 की वैल्यू है 4π। उसका क्या करेगा मैं, स्क्वायर। ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी बेटा 0, 0 का स्क्वायर 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 जैसे का वैसा। अल्फा कितना है बेटा, अल्फा है 4π/10, अल्फा कितना है 4π/10। और थीटा, थीटा थीटा वही तो निकालना है हमें। अब आप बताइए 4 का स्क्वायर होता है 16, पाई का स्क्वायर 4 × 8π/10, और ये थीटा। मुझे तो यहां पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई कैंसिल हो जाएगा। 8 के टर्म में कितनी बार बेटा, 2 बार, 2 × 20π। तो थीटा कितना है बेटा यहां पे अपना,
20 पाई, थीटा कितना आया 20 पाई। इस 20 पाई को, इस थीटा की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट करो तो देयरफॉर आपका एन क्या आ जाएगा, ये एन आ जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा की वैल्यू है 20 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, दो घेरे में कितनी बार, 10 बार, देयरफॉर एन कितना है बेटा यहां पे 10 रिवॉल्यूशन, कितनी रिवॉल्यूशन 10 रिवॉल्यूशन, तो 10 सेकंड में ये 10 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 10 सेकंड में चक्का कितनी बार 10 रिवॉल्यूशन कर रहा है यहां पे, वो जो एंट है वो 10 चक्कर काट रही है 10 सेकंड में। अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या बोला है पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पहला चक्कर है, एक चक्कर कितना होता है 2 पाई होता है ना, तो पहला चक्कर मतलब थीटा इक्वल टू 2 पाई करने के लिए टाइम कितना लग रहा, पहला चक्कर मतलब मैं इसको T1 नाम दे देता हूं, पहला चक्कर करने के लिए टाइम कितना लग रहा। अब सिंपल सी बात बेटा, टाइम चाहिए, अब आप मुझे आपके पास थीटा है, ठीक है थीटा है, टाइम चाहिए, तो टाइम निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करूं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा टी स्क्वायर, क्या ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, मैं इसके क्या लगा दूं, 1 लगा दूं इसके सफिक्स में, इसके 1 लगे, अब बताइए थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 2 पाई है, ओमेगा 1 कितना है बेटा, ओमेगा 1 है 0, 0 इज समथिंग 1/2, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा 4π/10, और T1 की वैल्यू कितनी बेटा, तो T1 की वैल्यू है T1 वही निकालना है, मैं भी कह रहा हूं लोग T1 की वैल्यू निकालनी, बोलिए आप 2 1 2 2 2 4, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये T1 का स्क्वायर कितना है बेटा, ये 10 है, ये 10 इधर जाएगा, ये 10, ये इधर स्क्वायर है, इधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा, तो बताइए आप रूट 10 की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है आप 9 का अंडर रूट 3, तो इसकी वैल्यू होती है 3.16 सेकेंड, कितना आएगी 3.16 आता है, रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है 3.16, नहीं आता तो लॉग बुक में जाइए वहां पे देखिए रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं आता तो अपने मन से गए पे कॉमन सेंस लगाइए कि 9 का अंडर रूट होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, थोड़ा उससे ऊपर 3.1416। अब इसके बाद में देखिए और एक क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला है पे? फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन निकाल ली, लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, लास्ट मतलब 10वां चक्कर कंप्लीट करने के लिए भाई, 10वां चक्कर, 10 चक्कर कंप्लीट करने के लिए, 10 चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये हमें पता है 10 सेकंड, तो सोचिए 10 चक्कर कंप्लीट करने के लिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दसवां पकड़ लो, ठीक है आप क्या कर रहे हैं, मैंने यहां पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां दसवां, बड़े 10वां चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लग रहा ये पूछा है। अब आप मुझे बताइए क्या मुझे यहां से तक का टाइम पता है, हाँ 10 सेकंड, तो क्यों ना मैं 9 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, 9 चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लग रहा वो निकाल लेता हूं और उस टाइम में से पूरा टाइम माइनस कर देता हूं, तो मुझे T10 मिल जाएगा, 10वां चक्कर कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम, 10वां चक्कर कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम, क्या किया 9 चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा वो निकाल लेता हूं, 10 चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है बस पहले से 10 सेकंड, तो इस पूरे टाइम में से ये टाइम माइनस करूंगा तो टाइम फॉर 10वां रिवॉल्यूशन पता चल जाएगा, तो मैं मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा, यहां पे क्या किया था थीटा 2 पाई, तो यहां पे क्या इसके आएगा, यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितने चक्कर काट रहा हूं 9 ना, तो 9 × 2π, इसके लिए नाम दूंगा मैं यहां पे इस टाइम को नाम दूंगा T9, क्या नाम दूंगा T9, तो पहले T9 निकालेंगे, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यही वाला इस्तेमाल करूंगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा टी स्क्वायर, सही बात है बेटा, इसके क्या लगे बेटा T9 ना, ये T9 निकाल दे, ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है 0, 0 इनटू समथिंग 0, थीटा कितना है 9 दूनी 18 18π, ये 1/2, अल्फा कितना मेरे पास 4π/10, और ये टी इसके सफिक्स में 9 है उसका स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 2 के टर्म में कितनी बार 2 बार, ठीक है आप 2 के टर्म में कितनी बार 5 बार, 18 5 90, तो T9 का स्क्वायर आया ये 18 5 से मल्टीप्लाई हुआ 90 हुआ बेटा स्क्वायर है इधर जाकर अंडर रूट हुआ, सही। अब सर 9 का अंडर रूट होता है 3 और अंदर क्या बचा रूट 10, क्योंकि 90 क्या होता है बेटा 9 × 10
9 का अंडर रूट 3 अंदर छतरी रूट 10 को मिल गई। सर अब भी तो निकाले थे रूट 10 की वैल्यू कितनी निकाले थे 3.16। चलो मल्टीप्लाई करते बेटा इसको, 6 × 18 का 8, हाथ का 1, 6 × 3 = 3, 3 × 1 = 4, 3 × 3 = 9। 9.48 सेकंड लग रहे बेटा, क्या लग रहे 9.48, 9 चक्कर काटने के लिए 9.48 सेकंड लग रहे। तो मुझे बताए देयरफॉर टाइम फॉर कौन सा बोला है लास्ट रिवॉल्यूशन, भाई लास्ट रिवॉल्यूशन मतलब 10th रिवॉल्यूशन, T10 निकालना है तो उसके लिए कैसे भाई लास्ट रिवॉल्यूशन, तो क्या करूंगा यहां पे मेरे पास है पूरा कंप्लीट कितना है यहां पे 10 है, 10 में से क्या किया 9.48 माइनस किया, तो बेटा अगर 10 में से 9.48 माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा यहां पे 2 आया, यहां पे कितना बचा बेटा यहां पे 9 में 4 गए 5, 0.52 सेकंड बचा, इतना टाइम बच गया बेटा, T9 कितना हुआ 0.52 सेकंड बच गया। गॉट इट, क्लियर रहेगा सभी को? ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन, इसमें भी तोड़ तोड़ के पेपर में क्वेश्चन आते, ठीक है आपे? तो क्वेश्चन का लेवल और वन शॉट बेटा YouTube पे जो वन शॉट आ रहा है प्लीज उसको देखेंगे, मैं जो YouTube शॉर्ट्स बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है वो सभी के सभी बोर्ड्स के क्वेश्चन है, प्लीज उसको कैसे पे जरूर देखिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक प्लीज इसको शेयर करें। हेलो गाइस, अभी हम जो पढ़ने वाले यहाँ पे वो रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अनबैंक रोड के बारे में। गाइस प्लीज, आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट थी, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम मुझे अभी 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है, आप जितना इस गाइस पे वीडियोस को शेयर करेंगे यहाँ पे उतना ज्यादा मुझे। रोड क्या होता है ये पढ़ाने से पहले आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो भाई यहां पर आते हैं सबसे पहले डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ व्हीकल टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। बड़ा हॉरिजॉन्टल अनबैंक रोड, देखो दो टाइप के रोड होते हैं, दो टाइप के रोड होते हैं, जो पहला रोड होता है गाइस यहां पे वो होता है गाइस यहां पे कर्व रोड। ये कौन सा रोड है? कर्व रोड। ये कर्व रोड कौन सा होता है गाइस यहां पे जो हमारे गली मोहल्लों में होते उनको कहते हैं कर्व रोड, ठीक है। ये जो कर्व रोड होते हैं यहां पे इसी को हम नाम देते हैं यहां पे अनबैंक रोड। कौन सा रोड? अनबैंक रोड। और एक रोड जो हम हाईवे में जाते हैं, हाईवे की तरफ जाते हैं या किसी ब्रिज की तरफ जाते हैं, ठीक है यहां पे, तो वहां पर जो रोड होते हैं, वहां पे जो रोड होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे मैं इधर जा रहा हूं, इधर की साइड में जा रहा हूं, तो ये जो आउटर एज है इस आउटर एज को इनर एज के ऊपर ऐसे उठा देते हैं, तो उसकी वजह से ये जो रोड होता है ये रोड जैसे टिल्ट लगता है, इसको कहते हैं बैंक रोड। कौन सा रोड? बैंक रोड। तो ऐसे दो टाइप के रोड होते हैं। हमें बोला है कि तू ऐसे वाले रोड से जाएगा, ऐसे वाले रोड से गाड़ी लेके जाएगा, ठीक है आपे? तो वहां पर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है वो निकालना है। बड़ा इजी डेरिवेशन रहेगा इसका। सबसे पहले आपको कैसे पे क्या करना पड़ेगा देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाओगे रोड, ये गाइस यहां पे रोड है, ये रोड है, इस रोड के ऊपर आपकी गाइस यहां पे ये आपकी ऑडी कार है, खरखटी कार, ठीक है ये आपकी कार है, ये कार आ रही है ये गाइस गाड़ी जा रही है। अब मुझे बताओ यहां पे कोई भी गाड़ी रहे या कोई भी रहे उसका वेट किधर जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस दुनिया में कभी भी फोर्स अकेला होता नहीं है, तो ये अगर वेट mg है तो ये सरफेस भी उसको कुछ देगा। क्या देगा? ये सरफेस देगा इसको नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस क्या देगा? नॉर्मल रिएक्शन। आप सभी को पता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी पर कैसी होती है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी पर परपेंडिकुलर होती है। अब मुझे बताइए जब गाड़ी जा रही है यहां पे तो रोड और टायर के बीच में एक फोर्स आता है, इस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। तो आपको डायग्राम में जो जो चीजें दिख रही है वो सभी चीजें हम यहां पे लिख देंगे। क्या क्या लिख देंगे यहां पे? ये देखिए। तो गाइस क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कंसीडर अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक कार है जो क्या कर रही है? हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मूव हो रही है, ठीक है यहां पे हॉरिजॉन्टल सर्कल है उसके ऊपर मूव हो रही है, जिसका रेडियस कितना है आर। तो जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिखेंगे, रेडियस कितना है गाइस यहां पे आर। यहां से आता पकड़ लीजिए सेंटर है और ये है उसका रेडियस आर। इसमें गाइस यहां पे क्या कर रही है यहां पे कार मूव हो रही है विद अ सेंटर सी। इसका सेंटर सी मान लीजिए इस सर्कुलर ट्रैक का, एज अ सेंटर ऑफ ट्रैक सी इज द सेंटर ऑफ ट्रैक। अब बताइए इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं यहां पे। तो जो डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, इसका वेट ज्यादा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो लिखेंगे वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन किधर है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है।
और मुझे तभी नॉर्मल एक्शन क्या कर रही, वेट एमजी को बैलेंस कर रही, तो यहां पे लिख भी सकते हैं, यहां पे गाइस फ्रॉम फिगर नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस वेट एमजी, क्या नॉर्मल रिएक्शन वेट एमजी को बैलेंस कर रही है, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एन इक्वल टू एमजी, आप ये ऐसा लिख सकते हो उसके बारे में एन इक्वल टू एमजी। तीसरा कौन सा फोर्स है यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, आप स्टैटिक फ्रिक्शन, ये गाइस यहां पे फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां से एफ आर लिखो आपकी इच्छा, फ्रिक्शन फोर्स है जो किधर जा रहा, किधर है, रोड और टायर के बीच में, बिटवीन रोड एंड टायर के बीच में। अब क्या होता है गाइस यहां पे, गोल घूमने के लिए अगर कोई बॉडी गोल घूमती है, मैंने आपको पहले भी कहा था इस दुनिया में कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के अराउंड में गोल घूम रही है तो गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता। तो सिंपल सी बात है, ये बॉडी गोल घूम रही है, गोल घूमने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर लिखेंगे फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड किया बेटा यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर्स, बिटवीन रोड एंड टायर्स, रोड और टायर्स के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बना के दे रहा है। अब आप मुझे बताइए यहां पे आप क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, सभी को पता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू इंटू एन होता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो म्यू जैसे का वैसा, एन की वैल्यू आपने कितना निकाले थे, तो बेटा एन इक्वल टू एम जी, तो यहां पर रख दिया एम जी, ये आया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसर, ये वी स्क्वायर, ये आया म्यू आर जी, ये स्क्वायर है इधर अगर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या है इस कर्व रोड के ऊपर, इस अनबैंक रोड के ऊपर जाने की स्पीड है, इतनी मैक्सिमम स्पीड से हम जा सकते हैं, क्या है वी मैक्स होता है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो ये फॉर्मूला मगअप करना है, रट्टा करना है, याद करना है, सो दैट गाइस यहां पे आपकी न्यूमेरिकल सही ढंग से बढ़ सके। तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ओके गाइस, हेलो गाइस, अभी जो बात करने वाले हैं यहां पे वो बात करने वाले हैं पे मौत के कुएं, मौत के कुएं में डेथ वेल में, डेथ वेल में कितनी स्पीड से गाड़ी लेकर जाए वो हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। ये मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए गाइस यहां पे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जाते हैं। सबसे पहले मैंने गाइस यहां पे क्या किया, डेरिवेशन में सबसे पहले मैं करूंगा एक मौत का कुआं बनाऊंगा, ये मैंने एक मौत का कुआं बनाया, इस मौत के कुएं में ये बंदा अपना मौत का नाच दिखा रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये बंदा क्या कर रहा है गाइस यहां पे, अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है यहां पे और गोल घूम रहा है इस तरीके से। अब सिंपल सी बात है, इस दुनिया में हर एक चीज का वेट कितना जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस गाड़ी का भी वेट कितना जा रहा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस गाड़ी के टायर में और इस वॉल में एक फोर्स रहेगा, इस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स, तो ये रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफएस, ठीक है। जो गाइस अबे क्या कर रहा है, अबे ये दो फोर्स है, एक वेट एमजी है और ये टायर और वॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। यहां पर ये गाड़ी इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में है और जब कॉन्टैक्ट में आता है तो कॉन्टैक्ट में और एक फोर्स आता है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन किधर रहेगा बेटा, टुवर्ड द सेंटर। जैसे अगर मैं यहां पे इस तरीके से है तो इस सर्फेस ने मुझे क्या दिया, नॉर्मल रिएक्शन, मेरा वेट नीचे जा रहा है यहां पे तो सर्फेस मुझे क्या दे रहा, नॉर्मल रिएक्शन दे रहा, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट उसके साथ है। तो वैसे ही कॉन्टैक्ट यहां पर है, ये कॉन्टैक्ट की वजह से क्या आ रहा, नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन किधर जा रहा बेटा, ये जा रहा टुवर्ड द सेंटर। अब जो आपको डायग्राम में दिख रहा है यहां पे वो चीजों को आपको गाइस यहां पे क्या है थियोरेटिकली लिखना, डायग्राम के बेस पे आपको एक्सप्लेन करना है यहां पे आपने डायग्राम में क्या क्या गाइस यहां पे चीजें बताया। तो आपने बताया गाइस यहां पे क्या बताया, फोर्स एक्टिव ऑन अ व्हीकल, बताइए व्हीकल के ऊपर कितने फोर्स एक्टिव हो रहे, तीन हो रहे, ऊपर जा रहा फ्रिक्शन फोर्स जो किसके बीच में है यहां पे, रोड और टायर के बीच में, रोड नहीं वॉल और टायर के बीच में, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये दिख रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये किसके बीच में, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, देखो ऊपर आ रहा है बिटवीन द वॉल एंड टायर्स, वॉल और टायर्स के बीच में, क्योंकि इसका वेट एमजी नीचे जा रहा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर रहेगा यहां पे ऐसे, ठीक है, टायर्स और वॉल के बीच में। देन उसके बाद में इसका वेट जरा बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये फोर्स है इस गाड़ी का, इस इंसान का वेट जरा वर्टिकली डाउनवर्ड,
और नॉर्मल रिएक्शन कैसे यहाँ पे कैसे आ रही है एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द सेंटर, नॉर्मल रिएक्शन इधर आ रही टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। अब हम जानते हैं अच्छे तरीके से यहां से ये बताइए फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करा बेटा, वेट एम जी को। तो स्टैटिक फ्रिक्शन प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लिपिंग, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये डाउनवर्ड, ये गाड़ी नीचे ना घिस रहे, इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ जाती है यहाँ पे जा रही है, अब आपको बताऊंगा जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता सर्कुलर मोशन में, जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता वो क्या बना के देता, सेंटीपेटर फोर्स। तो यहां पर फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड किया, प्रोवाइडेड बाय, यहां पे किसने प्रोवाइड किया, कौन जा रहा सेंटर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ना, तो विच इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ने बना के दिया। अब हम बोल सकते हैं कि n इक्वल टू गाइस क्या है बेटा, mv स्क्वायर अपॉन r, n इक्वल टू क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये आपको दिमाग में होना चाहिए यहां पे फॉर सर्कुलर मोशन सेंटीपेटर फोर्स चाहिए, ठीक है। बट अगर सर्कुलर मोशन करना है डेथ वेल में तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा या फिर इक्वल होनी चाहिए वेट एमजी से, नहीं तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इधर है यहां पे, मैं एक काम कर रहा हूं चौथा पॉइंट यहां लिख रहा हूं, ठीक है। आप बराबर तरीके से मैनेज कर लेना इसको, ये तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में गाइस मैं बताएगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होनी चाहिए यहां पे फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन Fs is greater than or equal to mu, sorry mu बोला mg, ये जो friction force है यहाँ पे ये बड़ा होना चाहिए या फिर equal होना चाहिए किससे, mg से। friction force का formula सबको पता है बेटा क्या होता है, mu into n is greater than or equal to mg। अब क्या मेरे पास n की value है बेटा, हाँ n की value कितनी है, mv square upon r। इस value को मैं put कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इस mu को जैसे का वैसे रखा बेटा, n की value कितनी बेटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर क्या बेटा बचा एम जी, मैंने क्या किया एम से एम कैंसिल, ये वी स्क्वायर जैसे का बेटा, वी स्क्वायर जैसे का वैसा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आर गया इसके पास आर जी बेटा, ये म्यू आया नीचे, ये स्क्वायर है यहां पर क्या हो जाएगा अंडर रूट, इधर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो वेलोसिटी ये इतनी इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए यहाँ पे डेथ वेल में, द मिनिमम सेफेस्ट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी वैल्यू, इससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा लेकिन इससे कम रहा तो नहीं चलेगा, इससे कम रहा तो ये बंदा नीचे गिर जाएगा। तो इतना इतना अंडर रूट ऑफ आर जी वैल्यू इतनी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। आप तो ये डेरिवेशन आएगा दो मार्क के लिए पेपर में आता है, आपको आप इसको सही ढंग से लगाना है, सही ढंग से बनाना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,